किसान आंदोलन को हाईजैक करके उसे मोदी विरोध का मंच बनाने की कोशिश लगातार जारी है। लेफ्ट पार्टी से जुड़े संगठन किसानों की आड़ में जहरीला एजेंडा बढ़ाने में लगे हैं और इसका एक और सबूत सामने आया है। राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर लेफ्ट के किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदर्शन में सीपीआई की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के मरने की बात की। लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने किसानों को ये नारे रटवाए और लगवाए। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हनान मौला हैं, जो सरकार के साथ किसानों की बातचीत में शामिल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, लेफ्ट संगठनों के शह पर कब्र खुदेगी जैसे नारे भी लगवाए गए। साफ है कि लेफ्ट संगठन भोले भाले किसानों को बहका रहे हैं और मोदी विरोध का पॉलिटिकल एजेंडा भी चला रहे हैं। किसान आंदोलन का ये नया प्रयोग है, लेफ्ट की लाभ में तैयार हुआ प्रयोग है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी अखिल भारतीय किसान सभा के मंच पर हुई। हनान मौला इसी संगठन के महासचिव हैं। हमने हनान मौला से ऐसे आपत्तिजनक नारों पर डायरेक्ट सवाल पूछा। हनान मौला ने पहले तो कैमरे पर नारों को जस्टिफाई करने की कोशिश की, हालांकि बाद में पल्ला छुड़ाते हुए ये जरूर कहा कि कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से ऐसे नारे लगाए और उनका अखिल भारतीय किसान सभा से कोई संबंध नहीं है। किसान आंदोलन जो है वो अपने मकसद से भटक गया है, क्योंकि उसके मंच से नारे लगाए जा रहे हैं मोदी के खिलाफ, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सुनो, हिंदुस्तान के आप नया नहीं है, मैं 40 साल हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स, एक स्लोगान हिंदुस्तान में है यूपी बिहार पंजाब हरियाणा, राजीव गांधी हाय हाय, मनमोहन सिंह हाय हाय, राजीव गांधी मुर्दाबाद। यही राजीव गांधी मुर्दाबाद बोली तो बीजेपी बना, अचानक सती बन रहे हैं। तो ये जो सरकार प्रधानमंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद हाय हाय, ये उत्तर भारत का स्लोगन है। मैं बंगाल से आया, मुझे अच्छा नहीं लगता, बंगाल में थोड़ा इतना ऐसा स्लोगन नहीं चलता, इंकलाब जिंदाबाद सब चलता। मैं जब यहाँ 40 साल देखा, मैं सुना पहले मेरा कान में लगता है कैसे बात है भाई, हाय 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 क्या है। तो ये उत्तर भारत का स्लोगन है, ये कोई नया बात नहीं है, इसी स्लोगन दे के बीजेपी सत्ता में आया है और आज सती बन रहा है। लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री के मरने तक की बात नहीं, मरने का कोई बात नहीं, ये आपके मन से ये नारे लग रहे हैं। नहीं, हम लोग बोला, कोई भी हमारा संग हम डिजोन किया, कोई लोग ऐसा गलत बोलते हैं हम उसको निंदा करते हैं, हम बोलते हैं ऐसा स्लोगन मत दो, इसमें तुम्हारा ही बदनाम हो रहा है, आंदोलन बदनाम हो रहा है। हम इसको कभी स्वीकार नहीं किया, हम उसी दिन हमारा नज़र में आया, हम उसको निंदा किया और बोला ये हमारा स्लोगन नहीं है। कुछ लोग एक आध लोग गलती करता है अपना मर्जी से, वो गलत है, हम उसको गलत बोला, उसका स्वीकार कभी नहीं सकता। तो दादा ये कौन लोग हैं जो आपके मन से मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी मर जा तू के नारे लगा रहे हैं, आपके 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 संगठन का झंडा फ्लैग लेके, झंडा फ्लैग लिए जब जा रहा है, यहाँ तक कि मंच भी आपका, झंडा फ्लैग लेके जब लोग चलते हैं तो बहुत लोग आके स्लोगन देता है, नौजवान के यहाँ आके स्लोगन, महिलाएं इसमें तो महिलाएं दिख रही हैं, महिलाएं हैं, देखा है मैं तो देखा है, इसलिए बोला हम इसको डिजोन करते हैं, ये स्लोगन हमारा अप्रूव स्लोगन नहीं है, कोई लोग दिया तो गलत है, ऐसा स्लोगन हम मना कर दिया, ऐसा कोई स्लोगन मत दो जिसमें अपना आंदोलन को बदनाम हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, कम से मुकेश कुमार के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। कर्नाटक विधान परिषद में कैसे टूटी मर्यादाएं, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।